तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाई के टेक्निकल ज्ञान। और आज मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन, और इस फ़ोन में आ चुका है एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों, सैमसंग अपने फ़ोन में समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता रहता है, जिससे कि फ़ोन का परफॉर्मेंस बरकरार रहे, फ़ोन में न्यू इनहांस फीचर्स को ऐड करा जा सके, फ़ोन में अगर कोई बग्स है तो बग्स को रिमूव करा जा सके और साथ साथ फ़ोन की परफॉर्मेंस को बरकरार रखा जा सके। लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और फ़ोन में बहुत से इशूज़ आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस वीडियो को आपको पहले देखना, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करना, उसके बाद ही उसे इंस्टॉल करना। अब फिलहाल बैक टू द वीडियो, इस फ़ोन में फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर अपडेट को डाउनलोड ही कर रहा हूँ। यहाँ दोस्तों, फ़ोन में डाउनलोड ही कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट को। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो सिंपली सेटिंग्स में जाए, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करना, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करना। अब यहाँ पर आप देख पाओगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग। अब फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि फ्री आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करते समय भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, जबकि पहले यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता था। उसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तो क्या इंप्रूव करा गया, तो यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ़ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव, मतलब फ़ोन की सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करा गया है और किसी भी नए फीचर के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं करा गया। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है कि आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट एबल टू डाउनग्रेड ऑल सॉफ्टवेयर बिकॉज इज सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब अगर आपने एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया तो उसे आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बेनिफिट लिखे गए जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, जैसे कि फ़ोन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बग्स को ठीक करता है, न्यू इनहांस फीचर्स ऐड कर सकता है और साथ ही फ़ोन की परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए अपने फ़ोन को अप टू डेट रखे। दोस्तों, यहाँ पर हिसाब से ये चीज़ लिखी गई कि अपने फ़ोन को अप टू डेट रखना होगा। अब डाउनलोड ही कर रहे तो MB कितने, तो ये ऑलमोस्ट 2 MB का 200 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट है, जिसे आप अपने मोबाइल डेटा पर भी आराम से डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी वाईफाई कनेक्शन रिक्वायरमेंट के। अब यहाँ पर आप नीचे देख पाओगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, उसके बाजू में आपको मिलेगा वेरिफिकेशन। अब पहले सैमसंग के फ़ोन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं आता था, जबकि आप सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करते थे तो वेरिफिकेशन का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था, जो कि अच्छी बात है कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई इशू है तो वेरिफिकेशन में उसे वो कैंसिल कर देगा। और हम देख पा रहे हैं 98% डाउनलोड हो चुका है, बस यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। जैसे वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, मुझे एक नोटिफिकेशन देखने मिलेगा जहाँ पर पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट आपका रेडी टू इंस्टॉल है। अब अगेन मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट में कभी कभी कुछ बग्स आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस वीडियो में मैंने मेंशन कराया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते समय आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी गलती ना करें, और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में कोई इशू आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो